सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 1 की एंडिंग तो आपको याद ही होगी, वो ट्रैजिक एंडिंग जिसमें मारिया हिल की डेथ हो जाती है। और मैं कंफर्मेशन दे देता हूँ कि मारिया हिल इस एपिसोड में भी वापस नहीं आने वाली है। तो विजुअल अनरैवलर में आपका स्वागत है और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है 1995 से, जिसमें हमें कैप्टन मार्वल के कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए जाते हैं कि कैसे निक फ्यूरी ने टैलोस को प्रॉमिस किया था कि वो स्क्रल्स को अर्थ पे उनका एक घर देगा। फिर हमें 2 ईयर का जंप देखने को मिलता है और हम आ जाते हैं 1997 में, जहाँ पे हमें बचपन वाला ग्रेविक दिखाया जाता है, वही जो शो का मेन विलन होने वाला है। और उसको बचपन में भी बहुत अकड़ू टाइप का दिखाया गया है, ऑल दो उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया था क्री वाली वॉर में, स्टिल अकड़ू है तो अकड़ू है। फिर हम प्रेजेंट में जंप करके आ जाते हैं एग्जैक्टली उसी सीन में जहाँ पे मारिया हिल की डेड बॉडी पड़ी है, और ग्रेविक और गाया वहाँ से बच निकलते हैं। टैलोस फ्यूरी को लेके भाग निकलता है और एक स्क्रल जिसका नाम ब्रोगन है, वो अपने आप को अमेरिकन बोलता है, तो उसको रशिया वाले अरेस्ट कर लेते हैं। फिर ओपनिंग क्रेडिट्स आते हैं और हम एकदम से ट्रेन में होते हैं। ट्रेन में रशिया वाले सोल्जर्स निक फ्यूरी को ढूंढ रहे होते हैं, तो एक अट्रैक्टिव सी औरत आती है, उनको झांसा देती है कि पागल हो क्या, मॉस्को से वॉर्सो जाने वाली ट्रेन में कोई ब्लैक मैन वो भी सकता है। और यहाँ पे फिर से रशिया में रेसिज्म का रेफरेंस था। ये सोल्जर्स वहाँ पे मान के चले जाते हैं। औरत अपने कैबिन को क्लोज कर लेती है और कहती है फ्यूरी वापस आ जाओ। हमें पता चलता है कि औरत और कोई नहीं, टैलोस ने ही औरत का रूप ले लिया था। फिर फ्यूरी और टैलोस कुछ बातें करने लगते हैं, जिसमें फ्यूरी अपने बचपन की कुछ बातें शेयर करता है और एक गेम बातों बातों में स्टार्ट कर देता है कि टेल मी समथिंग आई डोंट नो। तो फ्यूरी इसी तरीके से टैलोस से कुछ क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। टैलोस शुरू में तो टालता है, थोड़ा छिपाता भी है, पर फाइनली आके उसको बताना पड़ता है कि अर्थ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रल्स नहीं है, पूरे पूरे 1 मिलियन स्क्रल्स रह रहे हैं। फ्यूरी चौक जाता है, फ्यूरी को कोई आइडिया ही नहीं था कि इतने ज़्यादा स्क्रल्स रह रहे हैं। उसको तो यही लगता था कि कैप्टन मार्वल मूवी के टाइम पे जितने स्क्रल्स आए थे बस उतने ही होंगे। और टैलोस भी अपनी बात को डिफेंड करता है, फ्यूरी भी अपनी बात को डिफेंड करता है और कहता है जब इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं रह सकते तो 1 मिलियन स्क्रल्स के साथ क्या खाक रहेंगे। इसी बात में टैलोस और फ्यूरी में बहस हो जाती है और टैलोस ट्रेन से उतर के चला जाता है। फिर हम लंदन में आ जाते हैं, जिसमें मारिया हिल की मदर दिखाई देती हैं और वो अपनी बेटी की बॉडी कैस्केट में USA वापस ले जा रही है। वहाँ पे उनको फ्यूरी बताता है कि मारिया इसलिए मरी है क्योंकि जो लोग थे वो फ्यूरी को मारने आ रहे थे, ना कि मारिया को। तो उसकी मदर कहती है अब वो मरी है तो उसकी मौत को ज़ाया मत जाने देना। फिर हमें टीवी पे वही क्लिप्स दिख रही होती हैं जो एपिसोड 1 के एंड में बॉम्बिंग्स हुई थी टेररिस्ट वाली, और टीवी पे ये भी दिखाया जा रहा होता है कि दुनिया भर के लोग क्या कह रहे हैं, मतलब जैसे UK की प्राइम मिनिस्टर, नेटो का सेक्रेटरी जनरल और भी लोग, जिससे पता चलता है कि रशिया और अमेरिका में वॉर हो सकती है। ऑल दो अमेरिकन इस बात से पीछे हट रहे होते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है, जो कि रियलिटी होती है। वहीं पे गाया ग्रेविक को ड्राइव करके एक मीटिंग की तरफ ले जा रही होती है और गाया को अंदर घुसने को नहीं मिलता है, तो ग्रेविक कहते हैं बाहर वेट करो। ग्रेविक अंदर चला जाता है और हमें पता चलता है कि मीटिंग के अंदर वही UK की प्राइम मिनिस्टर, नेटो का सेक्रेटरी जनरल बैठा होता है। और बाद में रिवील होता है कि सबके सब स्क्रल्स हैं, और ग्रेविक कहता है कि फ्यूरी ने हमें होम प्रॉमिस किया तो कुछ नहीं दिया, तो हमें ह्यूमंस से वॉर लड़नी पड़ेगी। ऑल दो कुछ लोग अग्री नहीं करते हैं, पर लास्ट में सब अग्री कर जाते हैं, कुछ डर के मारे, कुछ ग्रेविक के साथ होना ही चाहते हैं। और एक लेडी होती है शर्ली, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ अग्री नहीं करूँगी। ग्रेविक उसको छोड़ देता है और उसको वहाँ से बाहर भेज देता है। और इसी बीच में UK की PM ग्रेविक को स्क्रल्स का जनरल बना देती है। जब शर्ली वहाँ से बाहर चली जाती है तो इतनी डेस्परेट होती है कि बिल्डिंग के सामने ही जाके फ़ोन मिला देती है टैलोस को और उसको थोड़ा लेखा जोखा सुना देती है। टैलोस कहता है कि मेरी मीटिंग सेटअप करवाओ ग्रेविक से, पर एक पब्लिक स्पेस में, क्योंकि मुझे गाया के बारे में बात करनी है। फिर हम न्यू स्क्रल्स में आ जाते हैं, जो स्क्रल्स ने अर्थ पे अपना घर बना लिया है, जहां गाया ग्रेविक को पेगों से बात करते हुए देखती है। उसको वहां पे शक होता है तो वो पेगोन को फॉलो करती है। वहाँ पे लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। अब फिर से हम लंदन में आ जाते हैं, जहाँ पे रोडी मतलब आपका वॉर मशीन इमरजेंसी वाली समिट या मीटिंग में बिजी होता है। दुनिया भर के लोग कह रहे होते हैं कि मारिया हिल और फ्यूरी की वजह से ही वो सारे अटैक्स हुए हैं, और रोडी उनको डिफेंड करता है, कहता है कि वो प्राइवेट सिटीजन की तरह ही तो जा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी उनका हाथ हो इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद रोडी फ्यूरी से जाके मिलता है। फ्यूरी कहता है मुझे तेरी मदद चाहिए, यहाँ पे हाइड्रा से भी खतरनाक विलन आ चुके हैं स्क्रल्स। तो रोडी कहता है एवेंजर्स को बुलाओ, तो फ्यूरी कहता है एवेंजर्स को बुलाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उनकी पावर्स डुप्लीकेट करके स्क्रल्स और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तो रोडी कहता है सॉरी मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, उसको वहीं पे फायर कर देता है। तो फ्यूरी लास्ट में जाके कहता है अब ले फायर कर दे या कुछ भी कर दे, मैं करूँगा जो मुझे करना है। फिर हम सोनिया के पास आ जाते हैं, जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। वो एक जगह पर जाती है जहाँ पर ब्रोगन नाम का जो टेररिस्ट था स्क्रल, उसको टॉर्चर किया जा रहा होता है, वो उसने अभी तक एक बात रिवील नहीं की होती है।
तो सोनिया कहती है तुम लोग जाओ मेरे पे छोड़ दो। तो सोनिया सबको बाहर भगाती है, दरवाज़ा बंद करती है और स्क्रल की उंगली काट देती है। उंगली जैसे ही स्क्रल की बॉडी से डिटैच होती है तो वो वहाँ पर डेड हो गई, इसलिए उसका कलर ग्रीन हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वो सच में स्क्रल है और उसको टॉर्चर करके कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी निकलवा लेती है। वहाँ पे न्यूज़ क्रोस में गाया कंप्यूटर पे देख रही होती है कि एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किस बारे में हो रहा था, तो उसको दिखता है कि ग्रूट का डीएनए यूज़ किया जा रहा है, कल ऑब्सिडियन का यूज़ किया जा रहा है जो थैनोस का एक मिनियन था, और एक्सट्रीमस का किया जा रहा है जिसको हमने आयरन मैन 3 में देखा था। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इन सब के पावर्स को यूज़ करके स्क्रल्स सुपर स्क्रल्स बनने वाले हैं। इतनी देर में ग्रैविक वहाँ पे आ जाता है तो वो तुरंत छिपा लेती है वो क्या कर रही थी और कंप्यूटर पे दूसरी स्लाइड खोल देती है। अब इस बात से आप कनेक्ट कर पा रहे होगे शायद। ग्रैविक गायो को बताता है कि ब्रोगन का पता चल गया है और वहाँ पे जाके उन लोगों को मारता है, पीटता है और ब्रोगन को छुड़ा लाता है। इतनी देर में सोनिया वहाँ से बच के बाहर निकल जाती है, पर ग्रैविक को एक शक होता है, अगर ब्रोगन इतनी देर तक टॉर्चर हुआ है तो ज़रूर इसने कुछ उगल दिया होगा। तो वो पूछता है कि तूने कुछ उगला तो नहीं? तो ब्रोगन कहता है नहीं मैन, तो बस झूठ बोला। ग्रैविक एक नंबर वाला शातिर है, उसको समझ में आ जाता है कि ब्रोगन झूठ बोल रहा है, तो एक जंगल में ले जाता है और ब्रोगन को गोली मरवा देता है। और इससे वो गाया के लिए एक हिडन मैसेज भी दे देता है कि गद्दारों की यही सज़ा होने वाली है। लास्ट में आते आते निक फ्यूरी को एक हाउस में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर एक फीमेल स्क्रल होती है और फिर वो एक वुमेन का रूप ले लेती है। निक फ्यूरी आता है, उसको किस करता है और अपनी रिंग पहनता है, जिससे पता चलता है वो निक फ्यूरी की वाइफ है। तो यही था सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। ओवरऑल देखा जाए तो ये एपिसोड पहले वाले से थोड़ा स्लो था, पर इसमें कुछ मोमेंट्स थे जो शाइन कर जाते हैं। आप बताइए आपको एपिसोड 2 कैसा लगा नीचे कमेंट्स में। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।